दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आज जो ताजा अपडेट जारी किया गया है, देखिए दिल्ली से अभी 650 किलोमीटर दूर है मानसून, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब वगैरह इन राज्यों में आखिर मानसून कब तक पहुंचेगा? तो मौसम विभाग ने आज ताजा बुलेटिन में बताया कि छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में मानसून की एंट्री अगले 4 दिन में हो जाएगी, लेकिन अभी देश में हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। देखिए आप असम राज्य में बाढ़ की वजह से 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 11 राज्यों में हीट वेव का भी अलर्ट है। अभी आपको बताऊंगा देश भर के अधिकतर राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ रही है और गर्मी भी इस हद तक पड़ रही है दोस्तों कि लोग बाग पीने के पानी से परेशान हैं और हजारों लोगों की जाने जा रही हैं इस भयंकर गर्मी में। देखिए आप गर्मी की वजह से एक सप्ताह में ही 577 हज यात्रियों की मौत हो गई, इनमें सबसे ज्यादा 323 यात्री मिस्र के थे। सऊदी के मक्का में भी तापमान 52 डिग्री तक पहुंच चुका है और ये हालात सिर्फ वहां के नहीं है बल्कि भारत में भी। मैंने आपको कल बताया था उत्तर भारत में लू के कहर की वजह से 24 घंटों में ही 109 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में भी इतनी गर्मी पड़ रही कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। देश की राजधानी दिल्ली में तो रात में भी तापमान इतना हो रहा कि मानो दिन जैसी गर्मी हो। रात के हवाओं में भी लू चल रही है, हद हो जाती फिर तो। और ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर की, यहाँ 30 दिन में एक महीने में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई सारे मरे हुए लोग 171 लावारिस शव रेलवे स्टेशन के आसपास मिले। लोग बोले कि ज्यादातर लोग बाग धूप में गिरे और फिर उठे ही नहीं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भयंकर गर्मी ने इन बेघर बेसहारा लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिंदगी छीन ली इनकी। और दोस्तों ऐसी परिस्थितियों को देखकर दिल को बड़ा दर्द होता है। मेरा सरकार से सवाल एक ही है कि आखिर क्या करती हैं सरकारें जब ऐसी भयंकर आपदा प्राकृतिक कठिनाइयों में भी अगर सरकार इन बेघर लोगों का साथ नहीं बने तो क्या इन लोगों को धरती पर रहने का जीने का ही अधिकार नहीं है? ये जो हमारे देश में हमारी धरती पर हमारी माँ भारत माँ पर रह रहे हैं इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से एक ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे किया गया और उसमें जो खुलासे सामने आया आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये देखिए कुछ महिलाओं के इंटरव्यू। ये महिला कहती है कि यहाँ रहने वाले बहुत से लोग खत्म हो गए हैं, गर्मी ज्यादा है, खाने पीने को नहीं मिल रहा और यहाँ बहुत से लोग बैठते थे पहले लेकिन अब दिखते ही नहीं है, देख लो ये लोग यहीं पड़े रहते हैं। एक महिला कहती है कि मेरी माँ को लू लगी है और मेरे आदमी को 15 दिन से उल्टियां हो रही, बच्चे ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है। और देखिए ये अजय कुमार जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं ये भिखारियों की तरह, इनका कहना कि स्टेशन पर रहने वाले आधे से ज्यादा भिखारियों की मौत हो गई, खोलता हुआ पानी मिलता है, सिर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, हाथ पैरों में दर्द है। और कुछ लोगों का कहना कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रहने वाले भिखारी रोज ही 3-4 खत्म हो रहे हैं, पहले स्टेशन पर ज्यादा भिखारी थे लेकिन गर्मी की वजह से कुछ मर गए, कुछ डर की वजह से चले गए। ये रियलिटी के हालात चल रही है। देखिए 31 दिन में 171 लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम हुआ, ये आंकड़े सिर्फ उत्तर प्रदेश कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस से मिले हैं, पूरे यूपी के नहीं है, सिर्फ कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस से। मतलब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों इस बात का कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौतें हो रही ना गर्मी लू की वजह से उनकी संख्या तो कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए एक राज्य के एक जिले के ये हालात हो सकते हैं तो यूपी में तो कितने जिले हैं और फिर अलग अलग राज्यों में कितने हालात चल रहे हैं भयंकर गंभीर। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और देखिए अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी से 10 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है, ज्यादातर राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में जून के आखिर में मानसून का आगमन होगा। इधर राजस्थान राज्य के लिए मौसम विभाग ने एक अच्छी खुशखबरी दी है, अब बादल बरसेंगे और झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 19 जून से लेकर 23 जून तक पूरे राजस्थान में बारिश के आसार छाए रहेंगे। हाँ इसके अलावा भी कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में अगले 4 दिन में मानसून पहुंच जाएगा। ये भारत के मानसून का मैप आप देख सकते हैं, आज 19 तारीख हो गई और अब 20 जून तक इन 7 राज्यों में मानसून आ जाएगा। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर 20 जून के बाद 5 जुलाई तक इन 11 राज्यों में मानसून पहुंचेगा, जिसमें शामिल है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और बाकी देखिए दोस्तों ये कुछ तस्वीरें आप। मेघालय के पश्चिम गोरांग जिले में भारी बारिश के कारण 40 से ज्यादा गांव डूब गए। मतलब प्रकृति भी क्या ही है दोस्तों, कहीं बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं बाढ़ आई हुई है, क्या ही कहोगे बाप इस बारे में। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।